हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। अभी मार्च का महीना है और ये कलंचू या कैलंकोई का प्लांट फुल ब्लूम पे है। ये एक हैंगिंग बास्केट में है, इनफैक्ट ये हैंगिंग कंटेनर होता है जिनमें ये हैंगिंग हैंगर्स मिल जाते हैं अलग से डिटैचेबल, जो आप लगा सकते हैं। और कलंचू कैलंकोई बहुत टॉल प्लांट्स नहीं होते, बहुत ईजिली ग्रो करते हैं हैंगिंग बास्केट में और बहुत खूबसूरत लगते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे आप कलंचू या कैलंकोई को कैसे अलग अलग तरीके से सजा सकते हैं, अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं, ताकि हर वे में ये बहुत ब्यूटीफुल लगे। ये एक जो मैं वीडियो दिखा रही हूँ, ये हैंगिंग पॉट की है। हैंगिंग पॉट में ये बहुत ईजीली इसीलिए ग्रो करता है क्योंकि इसमें जो ड्रेनेज होता है वो बहुत ईजी हो जाता है, तो इसमें ओवर वाटरिंग एकदम भी नहीं हो पाती। ये एक सक्यूलेंट प्लांट है जो बहुत ईजीली ग्रो करता है, मरता नहीं है, पेरिनियल है, देसी कलंचू। मगर इसका एक शर्त है कि आप इसमें ओवर वाटरिंग ना करें। ये भी बाकी सक्यूलेंट जैसा ही है कि ओवर वाटरिंग से ये बहुत जल्दी ख़राब होता है। ये चीज़ का अगर ध्यान रखेंगे तो ईजिली आपके पास ये सक्यूलेंट साल दर साल, ये मेरे पास कई सालों से ये है। आइए अब देखते हैं और कौन से अलग अलग तरीके हैं जिससे ये हम कलंचू या कैलंकोई को ग्रो कर सकते हैं। ये तो बहुत खूबसूरती से एक हैंगिंग बास्केट में ग्रो कर ही रहा है। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है, आप इसको एक वर्टिकल गार्डन में लगा सकते हैं। वर्टिकल गार्डन अलग अलग तरीके से आप ब्यूटिफाई कर सकते हैं, या कई ऑप्शंस होते हैं जिससे आप सजा सकते हैं। ये वाले अलग अलग कंटेनर्स मिलते हैं जो डिटैचेबल होते हैं, और इनमें आप सीज़न के हिसाब से अलग चॉइस से अपनी प्लांट्स, फ्लावरिंग हो या पेरिनियल प्लांट्स लगा सकते हैं। तो कलंचू को मैंने इस तरह से भी एक ग्रो किया हुआ है। ये है एक वर्टिकल गार्डन में, बहुत ईजिली ग्रो करता है, वेस्ट फेसिंग वॉल है और इसमें खूब धूप मिलती है। मार्च के महीने में सन बहुत अच्छा लगता है कलंचू या कैलंकोई फ्लावरिंग प्लांट को, तो ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है इस वजह से। बास्केट में छोटे छोटे कंटेनर्स में ग्रो करके बास्केट में रखने का एक और आइडिया है। इसमें दो टाइप के कलंचू हैं, ये वाला हाइब्रिड है और ये देसी है। देसी में बहुत इंटेंस फ्लावरिंग होती है, और छोटे से कंटेनर में ग्रो करके इसको मैंने एक बास्केट में रखा हुआ है। तो ये भी एक ऑप्शन है, छोटे से छोटे कंटेनर में लगाइए, जिसको आप टेबल टॉप पे रख सकते हैं, ड्राइंग रूम में, डाइनिंग टेबल पे भी रख सकते हैं। साथ में खिलने के बाद, मगर जब ये ब्लूम पे आ जाए तब आप इसको इंडोर कर सकते हैं। मैंने भी इसको बास्केट को कई बार इंडोर रख लेती हूँ, मगर ये ब्लूम होने के बाद। और अगर आप थोड़ा शेड में रखते हैं तो ये फ्लावरिंग थोड़ी ज़्यादा चलती है, मगर जब तक ये फ्लावरिंग नहीं हो, जब तक इसमें कोशिश करें कि इसको थोड़ा सनलाइट मिले। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो सारा सनलाइट इंजॉय करते हैं। तो ये एक और ऑप्शन है जिसमें आप छोटे से छोटे कंटेनर में लगा के इसको बास्केट में रख के इंडोर सजा सकते हैं। ये मैंने एक ऐसी एक पॉली बैग था उसमें लगा दिया था, और ये देखिए कितने सारे प्लांट सारी कटिंग से लगाए थे। तो ये भी आप कर सकते हैं बहुत इजीली, आपके शॉपिंग बैग में जो थोड़ा मोटा बैग हो उसमें, या आटे के बैग में भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये एक DIY आइडिया है जिसमें आप कलंचू देसी वाले तो इजीली ग्रो करेंगे। आप इनको कट फ्लावर की तरह भी अपने घर में लगा सकते हैं, जैसे मैंने कुछ कंटेनर में पानी में लगाया हुआ है। ये कुछ अरेंजमेंट किया था, इसके सामने ये देसी कलंचू लगाया हुआ है एक छोटे से कंटेनर में, और ये पानी में लगा हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।